माँ दुर्गा नर्सरी के तरफ से सभी किसान भाइयों और मेरा प्लांट लवर दोस्तों को दिल से स्वागत है। स्टेडीज गार्डन में या खेत में लगाने के लिए कुछ ड्रॉप वैरायटी ऑल टाइम फ्रूट प्लांट के बारे में अब लोग जानकारी देंगे, जो बहुत ही कम मटेरियल के अंदर आपको साल में 3 से 4 बार फ्रूट देने वाला ऐसा ड्रॉप वैरायटी फ्रूट प्लांट है। तो पहले नंबर पे जिस वैरायटी का प्लांट के बारे में अब लोग को जानकारी देंगे, ये टेरिस गार्डन में या खेत में लगाने के लिए एक बहुत ही पॉपुलर ड्रॉप वैरायटी फ्रूट प्लांट है। इस वैरायटी का नाम है थाईलैंड स्वीट आमड़ा। इस वैरायटी का जो फ्रूट होता है खाने में बहुत ही मीठा सा होता है और साल में 2 से 3 बार फ्रूट देने वाला एक ड्रॉप वैरायटी थाईलैंड का वैरायटी फ्रूट प्लांट है थाईलैंड स्वीट आमड़ा। तो इस वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 70% प्लांट में फ्रूटिंग की या फ्लावर की बाड़ लगा हुआ है। प्लांटेशन करने के बाद आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी तरह से फ्लावर या फ्रूटिंग का बाड़ में भर जाएगा। बहुत ही इजी मेंटेनेंस का वैरायटी है। तो इस वैरायटी का प्लांट चाहे आप टेरिस गार्डन में बड़ा पॉट में चाहे खेत में लगा सकते हैं। प्लांटेशन करने के बाद आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। थाईलैंड स्वीट आमड़ा इस साल में 3 से 4 बार फ्रूट देने वाला एक ड्रॉप वैरायटी फ्रूट प्लांट है। बहुत ही इजी मेंटेनेंस का वैरायटी है। जितने सारे वैरायटी का प्लांट है देख सकते हैं, लगभग 70% प्लांट में फ्रूटिंग की बाड़ लगा हुआ है। प्लांट का हाइट 2 से 2.5 फुट का होगा और मैच्योर ग्राफ्टेड का है। प्लांटेशन करने के बाद आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर बहुत ही आसानी से फ्रूट देखने को मिल जाएगा। और इस वैरायटी का फ्रूट बहुत ही मीठा सा होता है, खाने में बहुत ही मीठा सा है। तो इस वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीजनेबल प्राइस में आपको मैच्योर ग्राफ्टेड का प्लांट मिल जाएगा थाईलैंड स्वीट आमड़ा। नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे टेरिस गार्डन में या खेत में लगाने के लिए जिस ड्रॉप वैरायटी फ्रूट प्लांट के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे, इस वैरायटी का नाम है थाईलैंड स्वीट जलपाई। देख सकते हैं लगभग 1 फीट का प्लांट में फ्रूटिंग का बर्ड लगा हुआ है। ये बहुत ही इजी मेंटेनेंस का ड्रॉप वैरायटी का एक जलपाई का प्लांट है। ये थाईलैंड का वैरायटी है और इस वैरायटी का जो जलपाई होता है बहुत ही मीठा सा होता है। अंदर में जो गुटली होता है बहुत ही छोटा सा होता है। खाने में बहुत ही स्वीटेबल वैरायटी का जलपाई है थाईलैंड स्वीट जलपाई। इस वैरायटी का प्लांट ड्रॉप रहता है इसलिए बहुत ही इजी मेंटेनेंस के अंदर आपको साल में 2 से 3 बार फ्रूट देने वाला ऑल टाइम वैरायटी का जलपाई है थाईलैंड स्वीट जलपाई। तो इस वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो लगभग 2 फीट का मैच्योर प्लांट मिल जाएगा। प्लांटेशन करने के बाद आपको 2 से 3 महीने के अंदर बहुत ही आसानी से फ्रूट देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं छोटा छोटा फ्रूटिंग की बाड़ आया है और एक बड़ा सा फ्रूटिंग की बाड़ है। तो टेरिस गार्डन में लगाने के लिए एक बहुत ही इजी मेंटेनेंस का ड्रॉप वैरायटी का ऑल टाइम फ्रूट प्लांट है। तो इस वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो बहुत ही अच्छा कंडीशन में प्लांट मिल जाएगा थाईलैंड स्वीट जलपाई। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे टेरिस गार्डन में या खेत में लगाने के लिए ऑरेंज का एक बहुत ही पॉपुलर बहुत ही डिमांडेड एंड हर वेदर में हर मिट्टी में बहुत ही आसानी से फ्रूट देने वाला एक सुइटेबल वैरायटी ऑरेंज के प्लांट के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। ये जो प्लांट अभी स्क्रीन में दिख रही है फ्रूटिंग की बाट लगा हुआ है। इस वैरायटी का नाम है चाइना स्वीट ऑरेंज या चाइना बुश ऑरेंज। तो इस वैरायटी का प्लांट लगाने के बाद आपको 2 से 3 महीने के अंदर बहुत ही आसानी से फ्रूट देखने को मिल जाएगा। हर मिट्टी में हर वेदर में बहुत ही सुइटेबल फ्रूट देने वाला एक ऑरेंज का वैरायटी है चाइना स्वीट ऑरेंज या चाइना बुश ऑरेंज। तो इस टाइम अगर इस वैरायटी का प्लांट परचेस करेंगे तो सभी का सभी प्लांट में फ्रूटिंग की ब्राड के साथ ही आपको मिल जाएगा, मैच्योर ग्राफ्टेड का प्लांट मिल जाएगा। प्लांटेशन करने के बाद आपको बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छा फ्रूट देखने को मिल जाएगा। चाहे जिस भी वेदर में लगाए जिस भी मिट्टी में लगाए बहुत ही मीठा सा वैरायटी का ऑरेंज होता है चाइना बुश ऑरेंज। खाने में बहुत ही स्वीटेबल होता है इस वैरायटी का ऑरेंज। तो इस वैरायटी का ऑरेंज का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंडीशन में आपको हेल्दी प्लांट फ्रूट के बाद के साथ आपको मिल जाएगा रिजनेबल प्राइस में चाइना स्वीट ऑरेंज। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे टेरिस गार्डन में या खेत में लगाने के लिए गुआबा का एक बहुत ही पॉपुलर ड्वार्फ वैरायटी ऑल टाइम वैरायटी प्लांट के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। ये जो प्लांट आप स्क्रीन में देख रही है इस वैरायटी का नाम है ब्लैक गुआबा। इसका जो प्लांट होता है प्लांट का कलर भी इस तरह होता है देख सकते हैं और इसका जो फ्रूट होता है फ्रूट का कलर भी इस तरह होता है। टेरिस गार्डन में लगाने के लिए एक बहुत ही टेस्टफुली वैरायटी का गुआबा का वैरायटी है ब्लैक गुआबा। इस वैरायटी का प्लांट लगाने के बाद आपको साल में ऐसा कोई टाइम नहीं जिस टाइम इस वैरायटी में आपको फ्रूट देखने को नहीं मिलेगा। खाने में बहुत ही स्वीटेबल एंड स्वादिष्ट होता है इस वैरायटी का गुआबा। देख सकते हैं लगभग 1 फीट का प्लांट में फ्रूटिंग की बाड़ लगा हुआ है और भी बहुत सारे प्लांट में फ्रूटिंग की बाड़ आया था लेकिन वो प्लांट ऑलरेडी सेल हो चुका है। अभी जो प्लांट है
कोई भी प्लांट में अगर फ्रूटिंग की बात नहीं है तो प्लांटेशन करने के बाद आपको एक से डेढ़ महीने के अंदर बहुत ही आसानी से फ्रूट देखने को मिल जाएगा। चाहे जिस भी वेदर में लगाए, जिस भी मिट्टी में लगाए, प्लांटेशन करने के बाद आपको एक से डेढ़ महीने के अंदर बहुत ही आसानी से फ्रूट देखने को मिल जाएगा। खाने में जितना टेस्टफुल होता है, देखने में उतना ही अच्छा है। ब्लैक गुआवा देख सकते हैं, फ्रूटिंग की बाट लगा हुआ है और इसके अंदर बहुत ही कम आपको सीड देखने को मिलेगा। तो इस वैरायटी का प्लान अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टेरेस गार्डन में लगाने के लिए एक बहुत ही अच्छा डुआब वैरायटी, ऑल टाइम वैरायटी का फ्रूट प्लांट है ब्लैक गुआवा। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे टेरेस गार्डन में या खेत में लगाने के लिए एक अनार का बहुत ही पॉपुलर एंड बहुत ही डिमांडेड वैरायटी प्लांट के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। ये जो प्लांट अभी स्क्रीन में देख रही है, इस वैरायटी का नाम है सुपर भागुआ अनार। इस वैरायटी का जो फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर जो दाना होता है पूरी तरह से रेड कलर का होता है और खाने में बहुत ही मीठा सा होता है और ये बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही डिमांडेड एंड ए ऑल टाइम वैरायटी है। साल में आपको 3 से 4 बार फ्रूट देने वाला एक अनार का वैरायटी है और इसके अंदर जो दाना मिलता है पूरी तरह से रेड कलर का होता है। देख सकते हैं 1 से 1.5 फीट का प्लांट में फ्रूटिंग की बाट लगा हुआ है। 70% प्लांट में फ्रूटिंग की बाट है। जिस प्लांट में नहीं है, लगाने के बाद आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर बहुत ही आसानी से फ्रूट देखने को मिल जाएगा। चाहे आप जिस भी वेदर में लगाए, जिस भी मिट्टी में लगाए, प्लांटेशन करने के बाद आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर बहुत ही आसानी से फ्रूट देखने को मिल जाएगा इस वैरायटी में सुपर भागुआ अनार। ये हॉट क्लाइमेट में चाहे जिस भी वेदर में लगाए, जिस भी मिट्टी में लगाए, प्लांटेशन करने के बाद आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर बहुत ही अच्छा फ्रूट देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर जो दाना होता है पूरी तरह से रेड कलर का होता है और खाने में बहुत ही स्वीटेबल होता है। तो इस वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो आपको रेडी प्लांट मिल जाएगा फ्लावर के बाट के साथ। जिस प्लांट में फ्लावर की बाट नहीं है, लगाने के बाद आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर बहुत ही आसानी से फ्रूट देखने को मिल जाएगा। ये पूरी तरह से रेड कलर का होता है, खाने में बहुत ही स्वीटेबल होता है और इसके अंदर जो दाना होता है पूरी तरह से मतलब रेड कलर का होता है। तो सुपर भागुआ अनार का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो लगभग 2 से 2.5 फुट का आपको मैच्योर प्लांट मिल जाएगा। रेडी प्लांट देख सकते हैं, एक फ्रूटिंग की बाट आया है। इसका जो कलर है देख सकते हैं, पूरी तरह से रेड होना शुरू हो गया। जब छोटा रहता है इसका फ्रूटिंग की बाट, तब से इसका कलर रेड होना शुरू होता है और धीरे धीरे इसका जो कलर है पूरी तरह से रेड कलर का होता है। ऊपर का कलर भी रेड होगा और अंदर में जो दाना होता है वो भी रेड होता है, पूरी तरह से रेड कलर का होता है और इसका जो फ्रूट होता है बहुत ही मीठा सा होता है। तो इस वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो इस तरह रेडी प्लांट आपको मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा कंडीशन में हेल्दी प्लांट मिल जाएगा रिजनेबल प्राइस में। तो सुपर भागुआ अनार का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रिजनेबल प्राइस में आपको मैच्योर प्लांट मिल जाएगा, रेडी प्लांट मिल जाएगा सुपर भागुआ अनार। नेक्स्ट 6 नंबर पे टेरेस गार्डन में या खेत में लगाने के लिए एक ऑल टाइम डुआब वैरायटी थाईलैंड का चीकू का वैरायटी के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। ये जो प्लांट अभी स्क्रीन में देख रही है, फ्रूटिंग की या फ्लावर का बार लगा हुआ है। इस वैरायटी का नाम है थाईलैंड ऑल टाइम कालापाती चीकू। इस वैरायटी का प्लांट लगाने के बाद आपको साल में ऐसा कोई टाइम नहीं जिस टाइम इस वैरायटी में आपको फ्रूट या फ्लावर की बाट देखने को नहीं मिलेगा। एक ही ब्रांच में देख सकते हैं फ्रूटिंग की बाट भी लगा हुआ है और फ्लावर का बाट भी है। तो इस वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है थाईलैंड ऑल टाइम कालापाती चीकू का, तो लगभग मैच्योर प्लांट मिल जाएगा। ज़्यादातर प्लांट में फ्लावर की या फ्रूटिंग की बाट लगा हुआ है। तो इस वैरायटी का प्लांट लगाने के बाद आपको 1 से 1.5 महीना के अंदर ही बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छा फ्रूट देखने को मिल जाएगा। 2 से 3 ब्रांच के साथ बूस्टी प्लांट आपको मिल जाएगा रिजनेबल प्राइस में। देख सकते हैं लगभग हर ब्रांच में फ्लावर की बाट से पूरी तरह से भर गया है। चीकू में जितने सारे वैरायटी मिलता है उसमें से सबसे पॉपुलर, सबसे डिमांडेड एंड सबसे इजी मेंटेनेंस का वैरायटी है। हर वेदर में, हर मिट्टी में बहुत ही आसानी से फ्रूट देने वाला एक ऑल टाइम वैरायटी का चीकू का प्लांट है थाईलैंड कालापाती चीकू या थाईलैंड ऑल टाइम कालापाती चीकू। तो इस वैरायटी का प्लांट लगाने के बाद आपको बहुत ही आसानी से 1 से 1.5 महीने के अंदर से फ्रूट देखने को मिल जाएगा और खाने में बहुत ही स्वीटेबल होता है इस वैरायटी का चीकू। तो इस वैरायटी का चीकू का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे प्लांट हमारे पास अवेलेबल है और सभी का सभी प्लांट में फ्रूटिंग की या फ्लावर का या छोटा छोटा फ्रूटिंग की बाट लगा हुआ है देख सकते हैं। और 2 से 2.5 फुट का मैच्योर ग्राफ्टेड का बूसी प्लांट आपको मिल जाएगा रिजनेबल प्राइस में। तो कोई भी वैरायटी का प्लांट अगर आपको परचेस करना है, जितने सारे वैरायटी का प्लांट हम लोग ऑनलाइन में सेल करते हैं सभी प्लांट मैच्योर ग्राफ्टेड का होता है। प्लांटेशन करने के बाद आपको 2 महीना 4 महीना 6 महीना के अंदर सभी वैरायटी में बहुत ही आसानी से फ्रूट देखने को मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में जिस डुआब वैरायटी फ्रूट प्लांट के बारे में आप लोगों को जानकारी दिया है,
ऐसा भैड का फुटप्लांट चाहे आप जिस भी वेदर में लगाए, जिस भी मिट्टी में लगाए, बहुत ही कम मेंटेनेंस के अंदर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो कोई भी भैड का प्लांट अगर आपको परचेस करना है तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, रिजनेबल प्राइस में आपको मैच और ग्राफ्टेड का प्लांट मिल जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए यही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, नमस्ते।